हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सालब्यूटामोल सॉल्ट के ऊपर, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रग्स है और ये अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है और काफ़ी प्रेस्क्राइब होने वाला ड्रग्स है। मैं आपके साथ इस वीडियो में जो डिस्कस करूँगा वो है इसका डोसेज फॉर्म। ये सालब्यूटामोल जो सॉल्ट है ये किन किन अलग अलग डोसेज फॉर्म में अवेलेबल है, उनके ऊपर इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरीके से एक्ट करती है हमारे शरीर में, यूज इस सॉल्ट का यूज क्या क्या है और साइड इफ़ेक्ट्स और कंपोजिशन। अलग अलग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो इस सॉल्ट को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में किस अलग अलग नाम से सेल करती है, इन सारी चीज़ों को मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सालब्यूटामोल टैबलेट। फ्रेंड्स, टैबलेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाने वाला डोसेज फॉर्म है। चाहे किसी भी ट्रीटमेंट में आप ले लें तो टैबलेट बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो ये सालब्यूटामोल टैबलेट फॉर्म में भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। नेक्स्ट है इंजेक्शन। ये सॉल्ट इंजेक्शन के फॉर्म में भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, सिरप में भी है, इन्हेलर और रेस्पल्स के फॉर्म में भी ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ये जो सालब्यूटामोल है ये अस्थालीन नाम से जो कि सिप्ला कंपनी बनाती है, ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में सेल किए जाने वाला ड्रग्स है। तो ये अस्थालीन सिरप जो है इज यूज टू रिलीव सिम्टम ऑफ अस्थमा, ये अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD जो है, सच एज कफिंग, वीजिंग एंड ब्रीथलेसनेस, इस तरह के डिजीज में, इस तरह के कंडीशन में ये सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। इट हेल्प इन रिलैक्सिंग द मसल्स ऑफ एयर पासेज, हमारा जो एयरवे का मसल से, जो ब्रोंकियल मसल से, उसको क्या करता है ये रिलैक्स करता है, ताकि उससे होके एयर आसानी से एल्वियोली तक पहुंच सके और ब्रीदिंग में दिक्कत ना हो। दस वाइडिंग इट एंड मेकिंग इट इराइजर टू ब्रीद। सॉल्ट सिनोनम, ये जो सालब्यूटामोल सॉल्ट है ये अलब्यूट्रोल के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये इसका दूसरा नाम है। मोड ऑफ एक्शन, ये ड्रग क्या करती है, ये बीटा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग है, ठीक नहीं, और ये रिलैक्स करती है एयरवे स्मूथ मसल्स को, ये बीटा टू रिसेप्टर पर जाती है, एक्ट करती है और हमारे एयरवे का जो मसल्स है उसको रिलैक्स करती है। दे आर यूज फॉर द क्विक रिलीफ ऑफ अस्थमा सिम्टम, अस्थमा के जो भी लक्षण होते हैं इससे ये बहुत ही जल्दी रिलीफ देता है, एज वेल एज अर्जेंटिव थेरेपी ऑफ लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ द डिजीज। अगर अस्थमा क्रोनिक हो या फिर एक्यूट हो तो ये सॉल्ट दोनों तरह के सिम्टम में यूज किए जाते हैं। दे आर यूज फॉर सिम्पेटोमाइमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकोस्पर्म, प्रोवाइडिंग क्विक रिलीफ ऑफ एक्यूट ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, हमारा जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स उसमें जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक ना, अस्थमा की वजह से स्वेलिंग हो जाती है, तो उसके वजह से क्या होता है एयरवे से हवा क्लियर अंदर नहीं जा पाता है, ऑक्सीजन जो है वो क्लियर अंदर नहीं जा पाता है, तो ये ड्रग क्या करती है एयरवे को क्लियर करती है, कंस्ट्रक्शन जो है उसको ख़त्म करती है और ब्रीदिंग में रिलीफ देती है। नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो एल्वियोली है वो इस तरीके से होता है, स्वेलिंग होता है, इसके बीच जो स्पेस है वो होता है, ठीक ना। मसल्स ऑफ ब्रोंकियल आर रिलैक्स, ये रिलैक्स कंडीशन में है, फॉलो इजी टू एयर फ्लो, और जब ये रिलैक्स होगा तो इससे क्या होगा हवा का जो फ्लो है वो, एयर का फ्लो ईजिली होता है, ठीक ना। इसी तरीके से यह मसल्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अस्थमा के कारण ये जो एरिया है ये घट के कितना कम हो गया है, ठीक।
कितना इसमें कितना ज़्यादा स्वेलिंग आ गया है। तो सालब्यूटामोल इस स्वेलिंग को क्या करता है, रिलीव करता है। अब हम इसका यूज जानते हैं। तो ये सॉल्ट जो है इसका यूज है ट्रीटमेंट ऑफ एंड प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा, अस्थमा डिजीज जो है उसके ट्रीटमेंट में से यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। एडवर्स इफेक्ट, ये सॉल्ट जो है उसका एडवर्स इफेक्ट भी है, जैसे नोजिया, टेकिकार्डिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्मिया और हाइपोमैग्नीशिया, ये सारे इसके क्या है, साइड इफेक्ट्स हैं। और इसका जो फार्माकोकाइनेटिक है वो रैपिड है, ये बहुत ही फास्ट एक्ट करता है, ठीक ना। और ये मेटाबोलाइज होता है लीवर में और एक्सक्रेट होता है यूरिन के थ्रू, अनमेटाबोलाइज पार्ट जो होते हैं इस ड्रग के वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट हो जाते हैं। इंडिकेशन एंड डोज डिसाइड बाय फिजिशियन, इसका जो डोज है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, तो इसीलिए ये पेशेंट के ये फिजिशियन के थ्रू डिसाइड किया जाता है। और मोस्ट कॉमन कंडीशन में क्या होता है, एक्यूट ब्रोंकोस्पर्म, ठीक ना, स्पैम्स के कंडीशन में, एक्यूट ब्रोंकोस्पैम्स के कंडीशन में ये क्या होता है, एडल्ट को 1 to 2 इक्विवेलेंट इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है 2-45 माइक्रोग्राम रिपीटेड 4 to 6 आवर। इसी तरह चाइल्ड में एक्यूट कंडीशन में 360 माइक्रोग्राम इनहेलेशन के फॉर्म में दिया जाता है न्यूबिलाइजर के थ्रू TDI। अस्थमा एक्यूट अगर हो तो उसे IV इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है चाइल्ड में, अगर वो बच्चा 1 मंथ से लेकर 2 साल के बीच हो तो उस कंडीशन में 5 माइक्रोग्राम/kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डोज दिया जाता है और ओवर 5 मिनट्स। इसी तरह जब वो बच्चा 2 से लेकर 18 साल के बीच हो तो उस कंडीशन में जो उसका डोज डिसाइड किया जाता है वो है 1 to 2 माइक्रोग्राम/kg/min उसका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग है। और एडल्ट में क्या है इसका डोज, एक हेल्दी एडल्ट में 2 to 4 ग्राम डोज है, ठीक ना, 3 to 4 times/day। कम्बिनेशन, अब हम जानेंगे कि ये जो सालब्यूटामोल सॉल्ट है ये किन किन अदर सॉल्ट के साथ कंबाइन होकर किस ब्रांड नेम से मार्केट में मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो इस सॉल्ट को अस्थालीन नाम से बनाती है, और अस्थालीन काफ़ी फेमस ड्रग्स है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस ड्रग्स है ये अस्थमा को लेकर। तो ये टैबलेट फॉर्म में बनाती है, ठीक ना। तो टैबलेट में जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है, क्वांटिटी है अस्थालीन की, सालब्यूटामोल की, वो 2 mg/10 tablet में होता है, ठीक ना। इसी तरह ये 4 mg का भी बनाती है पर 10 tablet, और सिरप के फॉर्म में ये बनाती है 2 mg/5 ml 100 ml के सिरप में ये यूज करती है इस कंसनट्रेशन को, इस सॉल्ट का। और रेस्पल्स के कंडीशन में ये 5 mg/ml यूज करती है, और ये जो डोज होता है वो 15 ml का होता है। इसी तरह जाइडस फार्मास्यूटिकल इसी सॉल्ट को बनाती है डेरी हिल के नाम से, और ये इंजेक्शन के फॉर्म में बनाती है। रेनवैक्सी फार्मास्यूटिकल बनाती है अपने प्रोडक्ट को रियोलिन के नाम से, और ये इंजेक्शन के फॉर्म में, जिसका 100 mg/1 ampule में इसका कंसंट्रेशन होता है। लिप्विन फार्मास्यूटिकल जो बनाती है सालब्यूटामोल सॉल्ट को, वो बनाती है साल बेयर के नाम से, जो कि इंजेक्शन के फॉर्म में है, और इसका कंसंट्रेशन जो क्वांटिटी है सॉल्ट का वो है 50 microgram/mdi। सिप्ला और ओमनी केयर फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है वो बनाती है एरोवेंट के नाम से, ये दोनों अलग अलग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, एरोवेंट के नाम से अपने प्रोडक्ट को बनाती है, और इसका जो कंपोजिशन है वो सालब्यूटामोल 200 microgram, बेक्लोमेथासोन, डोमपेरिडोम 100 microgram यूज करती है एरोवेंट में ये। इसी तरह जाइडस फार्मास्यूटिकल सिरप बनाती है, और ये एरोमोल के नाम से बनाती है, और इसका जो कंसंट्रेशन है, कंपोजिशन है, वो सालब्यूटामोल 20 mg और थियोफाइलिन 100 mg/ml में
यूज करती है ये। सिप्ला फार्मास्यूटिकल एम कॉफ के नाम से बनाते हैं, जिसका कंपोजिशन है सालब्यूटामोल 1 mg, एम्ब्रोजोल 50 mg, ग्वानिफिसाइन है 50 mg और मेंथोल है 1 mg पर ml के फॉर्म में ये यूज करती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।